नमस्ते बच्चों, आज की तासिका में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। बच्चों, आपकी दिवाली, मुझे आशा है कि आपकी दिवाली बहुत ही मज़े में गई होगी और आप सब स्वस्थ होंगे और आप सब स्वस्थ रहे। तो बच्चों, आज की तासिका को शुरुआत करते हैं। आज की तासिका में हम निबंध लेखन का अभ्यास करने जा रहे हैं। तो पहले देखते हैं कि ये निबंध लेखन करते समय हमें किन किन चीजों की ओर ध्यान देना है। बच्चों, निबंध हिंदी गद्य साहित्य में बहुत ही महत्वपूर्ण है। हिंदी गद्य साहित्य में निबंध को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। किसी भी विषय पर हमें कुछ लिखना होता है तो हमें निबंध का सहारा लेना होता है। तो पहले देखते हैं कि ये निबंध, ये शब्द किस तरह से बना है। निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, नि अधिक बंध। इसका अर्थ है भली प्रकार से बंधी हुई रचना, अर्थात वह रचना जो विचार पूर्वक क्रमबद्ध रूप से लिखी गई हो। बच्चों, निबंध लिखते वक्त हम क्या करते हैं, हमें जो विषय दिया जाता है इस विषय का हम अलग अलग रूप से, हमारे मन में इस विषय के बारे में जो विचार आते हैं उन्हें क्रमबद्ध रूप से उन्हें लिखते हैं। अब ये निबंध लिखते समय हमें किन किन बातों की ओर ध्यान देना है वो हम देखते हैं। पहली बात है कि हमें निबंध को तीन अंगों में बांट लेना चाहिए। बच्चों, निबंध लिखते समय हमें क्या करना होता है कि निबंध के छोटे छोटे परिच्छेद बनाने होते हैं, पैराग्राफ में हमें लिखना होता है। अलग अलग तीन चार पाँच ऐसे पैराग्राफ में, परिच्छेद में हम निबंध को लिखते हैं और हमें जो विषय दिया जाता है उसे हम तीन अंगों में बांट लेंगे। तो वो तीन अंग कौन से हैं? पहला है प्रस्तावना, दूसरा है विषय विस्तार और तीसरा है परिणाम या फिर उपसंहार। इसे हम प्रारंभ, मतलब प्रस्तावना मतलब प्रारंभ, उसके बाद विषय विस्तार मतलब निबंध का जो मध्य होता है और उसके बाद अंत, वही है हमारा परिणाम या फिर उपसंहार। तो ऐसे तीन अंगों में हमें निबंध को बांट लेना है। निबंध की सफलता बहुत कुछ प्रस्तावना पर निर्भर रहती है, अतः निबंध का प्रारंभ आकर्षक विषय संबंधित होना चाहिए। निबंध लिखते वक्त जब हम प्रस्तावना करते हैं तो हम उसकी शुरुआत करने के लिए किसी कविता की पंक्तियाँ उसमें लिख सकते हैं या फिर कुछ मुहावरे कहावतों का भी उपयोग हम कर सकते हैं जिससे हमारी निबंध की शुरुआत बहुत ही आकर्षक हो सकती है। बच्चों, निबंध लिखते वक्त हमें इस बात की ओर ध्यान देना होता है कि हमारे निबंध की भाषा बहुत ही सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। हमें जो कहना है वो पढ़ने वाले को बहुत ही सरल ढंग से उसे समझना चाहिए। उसके बाद शब्द सीमा का ध्यान हमें रखना चाहिए कि हमें निबंध कितना बड़ा लिखना है, कितना छोटा लिखना है, उसकी ओर हमें ध्यान देना होता है। ऐसा ना हो कि हम 5-6 पेजेस का निबंध लिखें। तो हमें जो भी लिखना है बहुत ही शब्द सीमा की ओर हमें ध्यान देना है, कितने शब्दों में हमें वह निबंध लिखना है। उसके आगे का जो मुद्दा है वह है विचारों की पुनरावृत्ति से बचना चाहिए। मतलब एक ही विचार को हमें बार बार नहीं लिखना है, उसको रिपीट नहीं करना है, तो जिससे हमारा निबंध बोरिंग हो सकता है। तो हमारा जो मुद्दा होता है, एक मुद्दे को बार बार हम रिपीट नहीं करेंगे, तो उससे हमें बचना है। उसके बाद हमें देखना है कि लिखने के बाद उसे पढ़िए, उसमें आवश्यक सुधार कीजिए। जब आपका निबंध लिखकर हो जाता है उसके बाद आप क्या करोगे, उस निबंध को एक बार फिर से पढ़ोगे, जिससे क्या होगा
कि आपको समझ में आएगा कि अगर आपसे कुछ गलती हो गई है क्या। अगर गलती हो गई है तो आप उसे सुधार सकते हैं। जैसे कि आपका अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हुआ है, शुद्ध लेखन की कोई गलती हुई है, कोई जैसे हमने पहले ही देखा है कि विचारों की पुनरावृत्ति से हमें बचना है, तो कोई एक मुद्दा बार बार आया है जिससे कि ये निबंध अच्छा नहीं लग रहा है, तो उससे हमें क्या करना है, सुधार करना है। तो इसीलिए निबंध को हमें एक बार पढ़ना होता है पूरा लिखने के बाद। भाषा संबंधी त्रुटियां दूर करनी चाहिए। जैसे कि हमने पहले ही देखा कि निबंध लिखने के बाद हमें क्या करना है, उसे एक बार पढ़ना है जिससे हमें पता चलेगा कि हमारी निबंध में कोई गलतियां हुई है, भाषा संबंधी कोई गलती हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है, व्याकरण की कोई गलती हुई है, तो वो हमें दूर करनी है। उसके बाद वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए। अगर आपको निबंध लेखन में पूरे मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना होता है, पूरे मार्क्स तो निबंध में हमें नहीं मिलते हैं, तो ये देखना होता है कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा मार्क मिले। तो वो अगर हमें मार्क्स चाहिए तो हमें क्या करना है, तो हमारी वर्तनी शुद्ध होनी चाहिए, मतलब कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हमारे निबंध में। तो इसका हमें बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान रखना है। विराम चिन्हों का उचित प्रयोग किया जाना चाहिए। हम जब निबंध लिखते हैं तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पर हमें विराम चिन्हों का उपयोग करना चाहिए। अब ये विराम चिन्ह तो हमने पहले भी पढ़ लिए हैं, जैसे कि पूर्ण विराम, स्वल्प विराम, प्रश्न चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह, ये जो अलग अलग विराम चिन्ह है, तो जहाँ जहाँ पर ज़रूरत होती है वहाँ वहाँ पर हमें उसका इस्तेमाल करना है। उसके बाद देखते हैं, कोई उपयुक्त कथन याद हो तो उसे यथास्थान जोड़ना चाहिए। आपका निबंध आपको सुंदर आकर्षक बनाना है तो कोई भी अच्छी बात या किसी महापुरुष के कोई कथन हो, कोई अच्छा विचार हो आपको याद आता है जो आपके विषय से जुड़ा हुआ है, तो उसे आपको सही जगह पर जोड़ना है। जैसे कि हमने देखा कि हमें प्रस्तावना आकर्षक करनी होती है, वहाँ पर आप लिख सकते हो, या जहाँ पर भी योग्य जगह होती है वहाँ पर आप उसे जोड़ सकते हो। अलंकार, मुहावरे, कहावतें, तुलना आदि के प्रयोगों से निबंध का सौंदर्य बढ़ाया जा सकता है। इनका प्रयोग उचित स्थान पर और उचित ढंग से होना चाहिए। जहाँ जहाँ पर आप अगर कोई अच्छा मुहावरा लिख सकते हो, कोई कहावत लिख सकते हो, भाषा को सुंदर किया जा सकता है, तो ऐसे इन चीज़ों का आप इस्तेमाल निबंध लिखते समय करोगे तो आपका निबंध बहुत ही आकर्षक और सुंदर बन जाता है। लेकिन उसे आपको सही ढंग से लिखना होता है। तो बच्चों, अब हमने देखा कि निबंध लिखते समय हमें किन किन चीज़ों की ओर ध्यान देना है। तो बच्चों, हम क्या करेंगे, आज एक इसका उदाहरण देखेंगे। जैसे आज का हम निबंध देखने जा रहे हैं वो है दीपावली, जो कि ये त्यौहार हमने अभी अभी मनाया है। तो इस त्यौहार के दौरान हम क्या करते हैं, किस तरह से इस त्यौहार को मनाते हैं, वो हम आज देखेंगे और इस निबंध को लिखेंगे। और जिन चीज़ों का हमने अभी देखा है कि किन किन चीज़ों की ओर हमें ध्यान देना है, उन सब चीज़ों का हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। तो चलो हमारे निबंध को शुरुआत करते हैं। हमारे देश में तरह तरह के त्यौहार होते हैं, इनमें सबसे बड़ा त्यौहार दीपावली है। वर्षा के पूर्ण होने के बाद कार्तिक महीने में दीपावली आती है। यह त्यौहार 5 दिनों तक चलता है। बच्चों, हमारा जो देश है भारत देश, इसमें अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, तो इसलिए बहुत सारे त्यौहार हम मनाते हैं, लेकिन इनमें सबसे बड़ा त्यौहार हम मनाते हैं वो है दीपावली। तो ये कब मनाते हैं हम, वर्षा के पूर्ण होने के बाद कार्तिक महीने में हम ये दीपावली मनाते हैं, और ये त्यौहार 5 दिनों तक चलता है।
अब ये त्यौहार हम क्यों मनाते हैं? तो इसका कारण है कि दीपावली भगवान रामचंद्र जी की याद में मनाई जाती है। भगवान रामचंद्र जी वनवास में राक्षसों को मारकर और 14 वर्ष वनवास पूरा करके घर वापस आए, उसकी खुशी में दीपावली मनाते हैं। तो यहाँ पर देखो हमने क्या किया है, एक अच्छा सा उदाहरण दिया है। जैसे कि दीपावली हम क्यों मनाते हैं, तो उसका कारण हमने दिया है। बच्चों, हमने देखा कि हमें हमारा निबंध बहुत ही सुंदर और आकर्षक बनाना होता है, तो हमने इसके लिए यहाँ पर एक छोटी सी ये कहानी लिख दी है कि दिवाली क्यों मनाते हैं। तो वो हमने लिखा है कि दिवाली क्यों मनाते हैं, तो रामचंद्र जी जब वनवास में गए थे तो उन्होंने राक्षसों को मारा और अपना 14 वर्ष का वनवास पूरा किया, और जब वो वापस आए तो उनके राज्य के लोगों ने ये खुशी जाहिर करने के लिए ये दीपावली मनाई। दीपावली का स्वागत सब लोग अच्छी तरह करते हैं। अपने घरों की सफाई करके बिजली बत्तियों से घर को सजाते हैं। दीपों की पंक्तियाँ लग जाती हैं। चारों ओर दीपक टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। अब बच्चों, आपको इस निबंध में क्या कैसे लिखना है कि दिवाली की शुरुआत हम कैसे करते हैं? तो देखो बच्चों, जब हम दिवाली नज़दीक आते हैं तो कम से कम 10-15 दिन पहले से ही हमारी दिवाली की शुरुआत हो जाती है। हम घरों को साफ सुथरा बना करते हैं, घरों को कलर करते हैं, उसके बाद घर को अच्छी तरह सजाते हैं, उसमें नई नई चीज़ें हम खरीद कर लाते हैं और घर को हम बिजली बत्तियों से सजाते हैं। दीपों की पंक्तियाँ लगती है। जब दिवाली होती है तो अलग अलग तरह की लाइटिंग हम लगाते हैं, दिए जलाते हैं, हर जगह पर रोशनी होती है। अब इस चित्र में आप देख सकते हो, लेकिन बच्चों आपको निबंध में चित्र नहीं लिखने लगाने हैं या नहीं निकालने हैं, सिर्फ आपको समझने के लिए मैंने ये चित्र दिखाया है। जैसे कि ये घर भी आप देख सकते हो ना कि बहुत ही उसमें अलग अलग प्रकार की लाइटिंग लगाई है, घर के सामने रंगोली निकाली है, उसके सामने दिए जला है, जिससे कि हमारा घर बहुत ही सुंदर दिखता है। इसलिए इस त्योहार को दीपावली कहते हैं। दीपावली का अर्थ है दीपों की पात। लोग नए नए कपड़े पहनते हैं, आतिशबाजी जलाते हैं। तो पहले यहाँ पर हमने क्या किया है कि दीपावली ये शब्द कैसे बना है? तो दीपावली का अर्थ होता है दीपों की पात। तो दीपों की पात आप यहाँ पर देख सकते हो ना कि हम घरों के सामने दिए जलाते हैं, तो यहाँ पर दीपावली का अर्थ हमने बताया है। और दिवाली के वक्त क्या होता है कि लोग नए नए कपड़े पहनते हैं और आतिशबाजी जलाते हैं। रिश्तेदारों और मित्रों को मिठाई देते हैं और शुभकामनाओं के पत्र भेजते हैं। रात को लक्ष्मी की पूजा करते हैं। बच्चों, हमने देखा है कि आपके घरों में भी ये हुआ होगा कि हम क्या करते हैं, घर में अलग अलग प्रकार की मिठाई बनाते हैं, अलग अलग प्रकार की मिठाइयाँ घर में लाते हैं। अब घर पर कब क्या क्या बनाते हैं हम, तो जैसे कि करंजी होती है, उसके बाद लड्डू चूड़ा सेव चकली और अलग अलग तरह की मिठाइयाँ बनाते हैं। बाहर से अलग अलग तरह की मिठाइयाँ हम लाते हैं। ये जो मिठाइयाँ होती है हम अपने रिश्तेदारों को मित्रों को बांटते हैं, लोगों को अपने घर बुलाते हैं, उनको अच्छी अच्छी चीज़ें या फिर अच्छे अच्छे जो मिठाइयाँ खाने के लिए देते हैं, उन्हें शुभकामना देते हैं। अपने रिश्तेदारों को मित्रों को हम शुभकामनाओं के पत्र भेजते हैं। और जो दिवाली का दिन होता है, लक्ष्मी पूजन का दिन होता है, उस दिन रात को हम क्या करते हैं, लक्ष्मी की पूजा करते हैं। दुकान अपने बही खाते तैयार करते हैं। दुकानदार अपने बही खाते तैयार करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन नया वर्ष शुरू होता है। भैया दूज के दिन बहन भाई को तिलक लगाती है और उसकी आरती उतारती है। दोनों आपस में मिलकर आनंद मनाते हैं। दीपावली बच्चों के लिए खुशियों का खजाना होती है। ऐसे त्योहार ही अपने पूर्वजों की याद दिलाते हैं।
तो बच्चों इस तरह से देखा हमने कि जो आखिरी दिन होता है ना भाई दूज, उस दिन दोनों आपस में मिलकर ये खुशी खुशी से त्योहार मनाते हैं। दीपावली तो बच्चों के लिए खुशियों का खजाना होती है, क्योंकि उन्हें नए नए कपड़े मिलते हैं, सब रिश्तेदारों से अलग अलग गिफ्ट मिलते हैं, बहुत बहुत छुट्टियाँ होती हैं, बहुत खुशी खुशी से ये त्यौहार वो मनाते हैं। तो ऐसे त्यौहार ही अपने पूर्वजों की याद हमें दिलाते हैं। तो बच्चों हमने देखा इस निबंध में कि किस तरह से हमें निबंध की शुरुआत करनी है, निबंध का भी जो विषय विस्तार होता है, जो उसका एक्सप्लेनेशन हमने बीच में दिया है, और यहाँ पर हमने हमारे निबंध का अंत किया है। तो इस प्रकार ही निबंध लिखते समय हमें कुछ चीज़ों की ओर ध्यान देना है, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा अंक मिल सकते हैं। तो आपको क्या करना है, यह निबंध अपनी जो नोटबुक है उसमें लिखना है। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं हमारे अगली तासिका में, तब तक